बात करेंगे बीजेपी और मोदी सरकार किस तरह से आज एक बड़ा सवाल उन पर उठा है। 156 सेना के पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति को खत लिखकर सेना के नाम पर हो रही सियासत पर गंभीर आपत्ति जताई है। खत लिखने वालों में 8 पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। इन्हें एतराज है कि सेना को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। राजनीतिक दल सेना के शौर्य का भी श्रेय लूटने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती। योगी आदित्यनाथ का ये दावा उस जमात को बेहद चुभ गई है जो सही मायने में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सैनिक देश पर मरते हैं, सैनिक देश के लिए मरते हैं, वो सरहद के संरक्षक हैं, वो संविधान के सिपाही हैं, लेकिन जब सेना को चुनावी जंग में घसीट लिया जाए तो ये नागवार लगती है। इस खत को देखिए, 156 हस्ताक्षर हैं, जिनमें 8 पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, और इन सब का आक्रोश भी देख लीजिए। सर, जिस तरह से राजनीतिक दल सेना के ऑपरेशन और सरहद पार एयर स्ट्राइक का श्रेय ले रहे हैं, और तो और भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहा जा रहा है, ये पूरी तरह अनुचित है। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों के नेता सैन्य पोशाक पहन रहे हैं और सैनिकों के पोस्टर और तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है, खास तौर से विंग कमांडर अभिनंदन का। इस चिट्ठी पर बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम जिनके जिम्मे एक वक्त देश की सुरक्षा थी, वो नाम जिन्होंने सेना की कमान थामी थी, लेकिन इन्हें सेना को चुनावी औजार बनाना बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि सेना को खामोशी से अपना काम करने देना चाहिए, सेना के हिस्से की कामयाबी पर कोई जबरन कब्जा न करे, सेना के सिर सजने वाले सहरा कोई और अपने माथे बांधकर घूमने की कोशिश न करे। इसलिए इन्हें हर उस कदम पर एतराज है जो सेना की कामयाबी हथियाने के लिए आगे बढ़ता हो। याद रखिए, खुद पीएम का सेना को लेकर दिए भाषण पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो क्या सेना के शौर्य का श्रेय लेने पर उठ रहे इस सवाल पर भी सियासत होगी, या फिर राजनीतिक पार्टियां इसे संजीदगी से लेंगी? बीजेपी और मोदी सरकार के लिए यह गिरेबान में झांकने का वक्त है, क्योंकि फिल्मकार, पूर्व नौकरशाह और अब पूर्व सैन्य अफसर एक के बाद एक दिशा से उंगलियां उठ रही है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।